हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जाना खेल जगत और स्पोर्ट्स की क्लासेस के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने स्पोर्ट्स की दो क्लास पढ़ चुके हैं हम लोग, और दोनों क्लास के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए फ्री एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ। तो देखिए, जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, कौन सा स्पोर्ट कहाँ होता है, कब खेला जाता है, ये हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। बस उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे आज के एमसीक्यूज का, हमारी क्वीज का, वो कुछ इस प्रकार है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे एमसीक्यूज का, वो प्रश्न है, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी। देखिए, यहाँ जो मैं प्रश्न आपके सामने लाने वाली हूँ उसमें स्टैटिक भी होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि स्टैटिक हम पढ़ चुके हैं बट करंट भी हमें पढ़ना है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं। ठीक है, तो शतरंज की खेल कहाँ शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है इसके भारत, फारस, अरब और यूरोप, एंड द राइट आंसर इज दैट भारत। देखिए, माना जाता है कि जो शतरंज खेल है, शतरंज की जो शुरुआत है वो गुप्त काल में हुई थी, और गुप्त काल के बाद में ये फारस तक इसका विस्तार हुआ था। अब शतरंज की अगर बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि शतरंज के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था काम करती है जिसका FIDE। चलिए, अब शतरंज की ही बात चल रही है तो शतरंज की हम लोग प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं। तो शतरंज में कौन कौन से शब्दावली शतरंज खेल में प्रयुक्त की जाती है, मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, देखिए जरा ध्यान से। बिशप, ये शतरंज में खेल की प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली है। गैम्बिट, चेकमेट सभी ने सुना होगा, चेकमेट, क्योंकि ये शब्दावली हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि बिशप ये जो शब्द है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फिडे नाइट, रैंक, कैशल, मैं हट जाने वाली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पीसेज, चेक और एलो रेटिंग। ठीक है, शतरंज की शुरुआत जो है वो 7वीं सदी से मानी गई है, लेकिन इसका विस्तार जो है वो गुप्त काल से हुआ था, जो कहाँ तक चला था? फारस से चला था। और शतरंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शब्दावली कौन कौन सी है? ये है बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फिडे नाइट, रैंक, कैशल, पीसेज, चेक और एलोरेटिंग। ये जो शब्दावली है, जब शतरंज का प्लेयर्स खेल खेलते हैं, जब शतरंज के मैच खेले जाते हैं, तब इन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ये शब्दावली आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो हमारे एमसीक्यूज का दूसरा प्रश्न है, ICC महिला विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, कि ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, देखिए मेंस वर्ल्ड कप और वुमेन वर्ल्ड कप दोनों ICC कराती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर ICC क्रिकेट काउंसिल के 2021 वुमेन वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। तो ICC 2021 के वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी, ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत। तो देखिए, राइट आंसर इज द न्यूजीलैंड। 2021 में जो ICC वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी जो देश करने वाला है वो न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है, न्यूजीलैंड में 12th एडिशन, 12वां संस्करण रहेगा इन मैचेस का। ठीक है, ये 12th एडिशन होगा और 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी से 20 फरवरी 2021 में इन मैचों का आयोजन होगा, और होस्ट कौन सा देश करने वाला है उसे? न्यूजीलैंड करने वाला है। वहीं अब ICC वुमेन वर्ल्ड कप की बात कर रही जा रही है, तो ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2017 पे हम एक नज़र डाल लेते हैं क्योंकि करंट आपका वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2017 जो जीता था वो कौन सी टीम विनिंग रही थी?
वो रही थी आपकी इंग्लैंड टीम। तो आप सभी को यहाँ से पता होना चाहिए कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो 2017 जीता था वो किस टीम ने जीता था, इंग्लैंड ने। और 2021 में कौन करने वाला है मेजबानी, न्यूजीलैंड करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो है पहला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था सन 1975, 1976, 1980 और 1983। तो देखिए ये मैं बता चुकी थी जब मैंने क्रिकेट का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को बताया था कि जो पहला वर्ल्ड कप था हमारा वो कौन से ईयर में हुआ था, वो हुआ था 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। 1975 में कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। और 1975 में जब इंग्लैंड में आयोजन हुआ था वहाँ पर विनिंग टीम कौन सी थी, वहाँ पर विनिंग टीम हमारी कौन सी रही थी 1975 इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, जो क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में इंग्लैंड ने होस्ट किया था और विनर टीम कौन सी रही थी, वेस्ट इंडीज रही थी। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात है तो करंट की इसका भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो देखिए करंट में अभी हाल ही में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ कब हुआ था, सन 2019 में हुआ। और इसकी मेजबानी कौन से देश ने करी थी, क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी इंग्लैंड ने। कहाँ पर हुए थे 2019 के वर्ल्ड कप, इंग्लैंड में हुए थे। और विनर टीम भी कौन सी रही थी, इंग्लैंड रही थी। यहाँ पर किसको हराकर इंग्लैंड ने विनर किसको हराकर इंग्लैंड जीती थी, न्यूजीलैंड। रनर अप टीम कौन सी रही थी हमारी, न्यूजीलैंड रही थी। अब 2019 वर्ल्ड कप के कुछ प्राइस थे वो किस किस को मिले थे, तो देखिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी 2019 के क्रिकेट में कौन है, इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी बना, जिसने सबसे ज्यादा मोस्ट विकेट जिसने लिए, वो किसने लिए, मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार्क जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, कब लिए हैं ये, 2019 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट। और मैन ऑफ द सीरीज जो दिया गया है या प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है वो किसे दिया है, केन विलियमसन। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज, ओके, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो 2019 के वर्ल्ड कप में दी गई वो किसे दी गई, केन विलियमसन को दी गई। केन विलियमसन कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ये हुई 2019 के वर्ल्ड कप की बात। और आगे जो 2023 में हमारे पास वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है, तो 2023 का वर्ल्ड कप जो होस्ट करने का दावा किया है वो कौन सी कंट्री है, भारत। भारत 2023 का अगला वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारा चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है। शब्द बीमर दिख रहा है आप सभी को, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है, एंड द ऑप्शंस आर फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और शतरंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए, क्रिकेट। यस, क्रिकेट इज दिस राइट आंसर। अब देखिए बीमर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जब कभी भी क्या होता है, कोई भी क्रिकेटर के पास जब बॉल जाती है बैट्समैन के पास, तो जब बॉल बिना टप्पा खाए जब कमर से ऊपर बॉल निकल जाए तो उसी टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, बीमर कहते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि शब्दावली आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी आपको आ सकते हैं या किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो क्रिकेट की भी हम एक बार शब्दावली देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी शब्दावली आपको पता ही है, फ्री हिट, नॉक बॉल जो सभी होती है, स्लेजिंग, बॉल आउट सारे। तो क्रिकेट की शब्दावली हम लोगों को पढ़ लेनी है। आगे देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शंस हैं ए जूडो, बी क्रिकेट, सी बिलियर्ड्स और डी गोल्फ। तो देखिए अभी हमने बात करी क्रिकेट के बारे में, और जी हाँ इसका उत्तर भी क्या होगा, बी क्रिकेट। तो आप ये लोग याद रख लीजिएगा, देखिए सबसे ज्यादा शब्दावली भी क्रिकेट में ही यूज की जाती है, तो यहाँ आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारी शब्दावली पता होना चाहिए। क्रिकेट ही नहीं, हमें सारी खेल शब्दावलियों के बारे में पता कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किस एशिया कप
2018 का फाइनल मैच किन दो देशों के बीच हुआ? तो देखिए, हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में एशिया कप के बारे में पढ़ा था। इसके ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और पाकिस्तान, सी श्रीलंका और पाकिस्तान, और डी बांग्लादेश और श्रीलंका। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। अब एशिया कप की बात चल रही है तो हम लोग थोड़ा सा एशिया कप के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो देखिए, एशिया कप 2018 का जो होस्ट किया था वो किस कंट्री ने किया था? यहाँ हमें पता होना चाहिए कि एशिया कप 2018 को होस्ट करने वाली कंट्री थी UAE, और इसी को होस्ट UAE में हुआ, और यहाँ पर जो विनिंग टीम रही वो कौन सी रही? इंडिया रही, ठीक है। और किसे हराकर इंडिया जीती है? बांग्लादेश। इंडिया ने बांग्लादेश को 3 विकेटों से हराया था, और यहाँ पर इंडिया ने एशिया कप 2018 अपने नाम किया था। अब एशिया कप 2018 में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो किसे गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज एशिया कप में, प्लेयर ऑफ द सीरीज, सो प्लेयर ऑफ द सीरीज एशिया कप में मिस्टर शिखर धवन, ठीक है, ये नाम आप लोगों को याद रख लेना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज के अलावा सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी एशिया कप के दौरान शिखर धवन, ये दोनों एक ही नाम है, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों के नाम भी हमें याद रखना है, तो राशिद खान, कुलदीप यादव, इस तरह से 3 खिलाड़ियों को मिला था ये। एक राशिद खान है, दूसरे कुलदीप यादव हैं, और जो तीसरे खिलाड़ी हैं उनका नाम है मुस्तफिर रहमान, ठीक है, जो तीसरे खिलाड़ी हैं उनका नाम है मुस्तफिर रहमान। तो ये है एशिया कप 2018। आगे बढ़ते हैं हमारे 7th question की तरफ। तो 7वां जो प्रश्न है आप लोगों का वो है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो देखिए, जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज, ऑप्शंस हैं बी एस चंद्रशेखरन, दूसरा ऑप्शन है ई ए एस प्रसन्ना, ऑप्शन नंबर थर्ड है बी एस बेदी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज हरभजन सिंह। तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट में जो हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी थे पहले वो यहाँ पर हैं हरभजन सिंह, ठीक है। और हरभजन सिंह ने क्या हुआ था, जब टेस्ट मैच हुआ था कौन सी, 11 मार्च 2001 को, ठीक है, ये डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है। 11 मार्च 2001 को कोलकाता के इडन गार्डन, ठीक है, कहाँ पर लिया था? कोलकाता के इडन गार्डन में मैच के दौरान इन्होंने 3 लोगों के कंटिन्यू विकेट लिए थे। वो 3 लोग कौन कौन थे? रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉन, इन 3 का विकेट एक साथ लिया था हरभजन सिंह ने, और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो है, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हर खिलाड़ी और खेल और खिलाड़ियों की संख्या। ऑप्शन है 16, 12, 11 एंड 15, एंड द राइट आंसर इज रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए, किस खेल में विजेता टीम को रोवर्स कप दिया जाता है? एंड ऑप्शंस आर फुटबॉल, बास्केटबॉल, रोविंग एंड इज वॉलीबॉल, ठीक है। तो यहां इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? फुटबॉल होगा। फुटबॉल से रिलेटेड और कौन कौन से, डोरंड कप, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी किस में दिए जाते हैं? फुटबॉल में दिए जाने वाले कप हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला शीर्षक कौन सा है? देखिए, टेनिस की अगर बात की जाए तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। द राइट आंसर इज ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो सबसे पहले खेला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, उस दिन को तो ठीक है हम छोड़ ही देते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब ग्रैंड स्लैम का जो सीरीज है वो आपसे पूछी जाती है, जैसे अभी मैंने पूछा,
तो आपको इसको याद रख लेना है। किस तरह से आप इसे याद रखेंगे, देखिए हमें इसे ऐसे याद रखना है कि ए बी सी डी की जो सीरीज है ना, हम उसे इसे वैसे याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ए, ये ट्रिक है थोड़ा सा, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन ए बी सी डी ई एफ, फ्रेंच ओपन, ठीक है। अब यू वी डब्ल्यू होता है ना, तो यूएस ओपन और यू वी डब्ल्यू, तो विंबलडन को आप वी से पढ़ लो, डब्ल्यू से मत पढ़ो, एंड यू, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये इसकी सीरीज होती है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं वो कब खेले जाते हैं, जनवरी में, ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी या फेब्रुवरी में हो जाते हैं। फ्रेंच ओपन देखा जाए तो मई और जून में खेले जाते हैं, और वहीं पर जो विंबलडन जो है जून और जुलाई में, और यूएस ओपन जो है वो आ जाते हैं हमारे अगस्त और सितंबर में। तो ये इसकी सीरीज है, ये आप लोगों को याद रख लेनी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता घास या ग्रास कोर्ट में खेली जाती है, एंड ऑप्शंस आर फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ठीक है। तो वापस हम उसी उन्हीं चार टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं जरा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन, कौन से इसमें से किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ना, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट की अपेक्षा क्ले कोर्ट की सरफेस सॉफ्ट होती है थोड़ी, ठीक है। फिर आता है विंबलडन ओपन, जिसे खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर या घास कोर्ट पर। यूएस ओपन, यूएस ओपन को खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेरेना विलियम्स, देखिए क्वेश्चन आपको कहीं से भी बन सकता है। यहाँ जो मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन लाई हूँ, मैंने स्टैटिक, करंट सब मिक्स करके जितना भी बन पाया है वे सारे क्वेश्चन यहाँ हैं। सेरेना विलियम्स किस खेल की उत्तम खिलाड़ी हैं, एंड ऑप्शंस आर ए बैडमिंटन, बी शूटिंग, सी टेनिस एंड डी चेस, एंड राइट आंसर इज टेनिस, ठीक है। जो सेरेना विलियम्स हैं ये एक अमेरिकी खिलाड़ी हैं, अमेरिकी टेनिस प्लेयर है, ओके। चलिए पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता, ठीक है, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक खेलों में जिन्होंने क्या किया, कोई भी पदक जीता। ऑप्शंस आर कुंजरानी देवी, बी अपर्णा, सी कर्णम मल्लेश्वरी एंड डी इज सानिया मिर्जा, एंड द राइट आंसर इज कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी ये जो लेडी है, ये जो वुमेन्स में है, ये पहली महिला थी जिन्होंने स्वीडन में, जब ओलंपिक खेलों सन 2000 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, किस कंट्री में हुआ, स्वीडन में, स्वीडन में 2000 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, और उसमें ये वेट लिफ्टिंग, याद रखिएगा वेट लिफ्टिंग में, ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मेडल लाए, ओलंपिक्स में कोई मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रश्न और यहाँ से आपसे बन सकता है कि ओलंपिक्स में कोई पदक लाने वाली, सॉरी ओलंपिक्स में भाग लेने वाली पहली महिला, तो आपको उसका आंसर भी पता होना चाहिए। ओलंपिक्स में भाग लेने वाली पहली महिला थी मेरी लीला राव, ठीक है, उनका नाम याद रख लेना है आपको, मेरी लीला राव। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ, ऑप्शंस आर 776 बीसी, 324 बीसी, 212 बीसी एंड 1896 ईस्वी, ठीक है, एंड द राइट आंसर इज 776 बीसी। देखिए जो ओलंपिक्स गेम्स थे वो स्टार्ट कब से हो गए थे, 776 बीसी से ओलंपिक्स खेल स्टार्ट हो चुके थे, और ये जो ओलंपिक खेलों की जो समिति है, ये जब आयोजन इनका 776 बीसी में हो चुका था, लेकिन 1896 में जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं, वो आपको याद रख लेना है कि आधुनिक ओलंपिक्स गेम जो हैं 1896 ईस्वी में एथेंस शहर से आयोजित हुए थे। कहाँ से हुए थे, एथेंस शहर, बाकी शुरुआती दौर जो है वो कहाँ से है, 776 बीसी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस देश ने सन 1930 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? तो किस देश ने की है, देखिए, लंदन, सिडनी, हैमिल्टन एंड ऑकलैंड नॉब, एंड द राइट ऑप्शन इज हैमिल्टन। कनाडा के हैमिल्टन शहर में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था सन 1930 में। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ है, कौन इसके चेयरपर्सन हैं, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है, ये सिर्फ आपके रिविजन के लिए हो रहा है, जो पहली और दूसरी क्लास में हमने पढ़ा है ना, बस उसी का रिविजन हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, खेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? खेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर 7 जुलाई, 29 अगस्त, 12 अक्टूबर एंड 2 अप्रैल, ठीक है? एंड द राइट आंसर इज 29 अगस्त। हम आप सभी को पता है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि 29 अगस्त है ना, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब ये जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ना, ये किसकी याद में मनाया जाता है? हॉकी का जादूगर, किसे कहा गया है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है? मेजर ध्यानचंद के याद में, या मेजर ध्यानचंद के याद में यहाँ पर 29 अगस्त को हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। हाँ, तो मेजर ध्यानचंद का इस दिन जन्म दिवस भी होता है, उसी के उपलक्ष में हमारे देश में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जो थे, इन्होंने हॉकी में 3 स्वर्ण पदक हमारे देश को दिलाए थे। कौन कौन से सन में दिलाए थे? इन्होंने सन 1928, 1932 और 1936, तीनों साल में इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में हमारे देश को स्वर्ण पदक दिलाए थे, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी इज विश्वनाथ आनंद एंड ऑप्शन नंबर सी गीता सेठी, ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर। एंड द राइट आंसर इज, देखिए मैंने आप लोगों को, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसे भारत का सर्वोच्च खेल में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इसमें कुछ राशि प्रदान की जाती है। अब ये जो पहली बार जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई, तो ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद। अब विश्वनाथ आनंद, यहां मैं आपको बता रही हूं, विश्वनाथ आनंद जी को हम सभी जानते हैं, उन्हें क्यों दिया गया था? वे शतरंज में, उन्हें ग्रैंड मास्टर कहा जाता, शतरंज की ग्रैंड मास्टर, और शतरंज में अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के कारण इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि क्या है? मे भी आप सभी को यह बहुत से पता होगा, अभी लास्ट ही हमने पढ़ा है। ऑप्शंस है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। देखिए अब द्रोणाचार्य राशि कितने की मिलती है, सभी को पता होगा 5 लाख। मैंने आपको बताया था ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य और राजीव गांधी, तीनों की हमने बात की थी, जिसमें द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार दोनों में कितने की राशि खिलाड़ियों को दी जाती है? 5 लाख। और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये खिलाड़ियों को नहीं, ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है प्रशिक्षकों को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए, आपको यहाँ पर मैच द कॉलम जैसा है वो मिलाना है। साइड है अर्जुन अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, द्रोणाचार्य और पुलित्जर अवार्ड। अभी वही हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन अवार्ड जो है वो किसे दिया जाएगा? खेल के व्यक्तित्व को। वही ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? सिनेमा जगत के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य कोच, अभी बताया, अभी वही हुआ कि जस्ट हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो प्रशिक्षक होते हैं उन्हें दिया जाता है, तो ये कोच को दिया जाएगा। एंड ये पुलित्जर है, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है, ये समाचार या पत्रकार जो लोग होते हैं, जर्नलिज्म
के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए बुल्स आई प्रयोग किस खेल में होता है। अभी मैंने आपको कहा है कि खेल सभी खेलों की शब्दावली आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। पीएससी यहां से एक प्रश्न आपको जरूर देगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आर मुक्केबाजी, बी बास्केटबॉल, सी पोलो, डी निशानेबाजी। एंड द राइट आंसर इज निशानेबाजी। और देखिए निशानेबाजी बुल्स आई जो होता है ना, बुल्स आई जो है वो निशानेबाजी में मुख्य केंद्र होता है। बुल्स आई जो है वो निशानेबाजी में ही प्रयोग किया जाता है। चलिए पिचर शब्द संबंधित है। ऑप्शंस आर ए कुश्ती, बी मुक्केबाजी, सी बेसबॉल एंड डी बास्केटबॉल। एंड द राइट आंसर इज बेसबॉल। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो पिचर शब्द है, ठीक है, पिचर शब्द बेसबॉल और वॉलीबॉल में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वॉलीबॉल ऑप्शन में नहीं था तो हमने क्लियर बता दिया, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि पिचर शब्द का प्रयोग वॉलीबॉल में भी किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पिचर के बाद में बटरफ्लाई स्ट्रोक, शब्दावली के ही प्रश्न आ रहे हैं कंटिन्यू, है ना। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। एंड द ऑप्शंस आर टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती और तैराकी। तो देखिए बटरफ्लाई स्ट्रोक जो शब्दावली है ना, ये तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित होगी ये? तैराकी से संबंधित है। ये एक टेक्निक होती है तैरने के लिए, एक तैरने की एक तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद अगले पे आ जाते हैं। विश्व कप क्रिकेट 2019 में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए। जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही इसका हमने डिस्कस किया है। ऑप्शंस आर रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, शाकिब अल हसन, केन विलियमसन। एंड द राइट आंसर इज विश्व कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? रोहित शर्मा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। आगे है फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 में कहाँ हुआ। एंड द ऑप्शंस आर कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जापान। एंड द राइट आंसर इज, देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2019 की अगर बात की जाए तो होस्ट जो कंट्री थी वो कौन सी थी इसमें? होस्ट कंट्री इज फ्रांस, ठीक है। फीफा वुमन वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो फ्रांस ने कराया। एंड यहाँ पर चैंपियन जो रही है वो कौन सी टीम रही है? चैंपियन जो रही अमेरिका रही, और अमेरिका किसे हराकर चैंपियन बनी है? नीदरलैंड को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न फीफा से ही है। फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 विजेता, इट्स सो सिंपल। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है अमेरिका इज द विनर, किसे हराकर? नीदरलैंड को हराकर। और कहाँ आयोजन हुआ है? फ्रांस में आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शंस देख कर ही बन जाने वाला है। अगला प्रश्न है भारत के 64वें ग्रैंड मास्टर पृथु गुप्ता कहाँ से हैं, ठीक है। ऑप्शंस आर पंजाब, बिहार, हरियाणा, दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। अब पृथु गुप्ता के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें अगर, तो जो पृथु गुप्ता है, पृथु गुप्ता एक 15 साल के यंग चेस चैंपियन है, ठीक है। पृथु गुप्ता जो है 15 साल के, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने चेस में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है अभी हाल ही में पुर्तगाल लीग में 2019 में जो आयोजन हुए उसमें। इससे पहले जो चेस में ग्रैंड मास्टर का खिताब है 31 साल पहले विश्वनाथ आनंद ने मतलब अपने नाम किया था, और अभी जो किया है वो किसने किया है? पृथु गुप्ता ने। एंड पृथु गुप्ता बिलोंग्स टू दिल्ली, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ को 2019 में किसने निलंबित किया। एंड द ऑप्शंस आर भारत सरकार ने, वर्ल्ड आर्चरी ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अमेरिका ने। एंड द राइट आंसर इज वर्ल्ड आर्चरी। देखिए वर्ल्ड आर्चरी में आप लोगों को बता दूं कि जो निशानेबाजी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है,
निशानेबाजी का जो सॉरी वर्ल्ड आर्चरी निशानेबाजी नहीं होगा, तीरंदाजी, ठीक है ना। तो तीरंदाजी जो होता है, आर्चरी को तीरंदाजी कहते हैं। तो वर्ल्ड आर्चरी जो है, वर्ल्ड आर्चरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो वर्ल्ड आर्चरी ये एक हमारे वर्ल्ड लेवल की संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लोसाने में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के लोसाने में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी ने क्या किया है, जो भारतीय तीरंदाजी संघ है उसे निलंबित कर दिया है। अब जो भारतीय तीरंदाजी संघ है ये तीरंदाजी के लिए भारत के लेवल पर एक संघ है, मतलब भारत के लेवल पर एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। जैसे हाल ही में किसने, वर्ल्ड आर्चरी ने संस्था जो है उसने इसे बर्खास्त कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं तीरंदाजी के बाद, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है, आईसीसी ने हाल ही में सरकारी दखल अंदाजी के कारण किस देश की क्रिकेट टीम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ये अभी बहुत ही चर्चा का विषय रहा था, आईसीसी ने अभी निलंबित किया था एक टीम को। एंड इसके ऑप्शंस देख लीजिए, ए केन्या, बी जिम्बाब्वे, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप ने हाल ही में जिम्बाब्वे टीम को निलंबित कर दिया है, ठीक है, ये प्रश्न याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आगे देखते हैं, 2020 में एशिया कप क्रिकेट का मेजबान कौन होगा। देखिए एशिया कप पे हम लास्ट 2 वीडियो से बहुत बात कर रहे हैं ना, तो एशिया कप का एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ कि एशिया कप 2020 कहाँ आयोजन होगा। ऑप्शंस हैं भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और एशिया कप 2020 की मेजबानी कौन करने वाला है, पाकिस्तान करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026, जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2026 में, उसकी मेजबानी किसे सौंपी गई है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी। एंड द राइट आंसर इज इटली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2022 के राष्ट्रीय खेल शुभंकर, जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं 2022 में, उसका शुभंकर है धूमिल तेंदुआ, यह किस राज्य का राजकीय पशु है। तो जो धूमिल तेंदुआ है वो कहाँ का राज्य के पशु है, अल्टरनेट क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस हैं मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मुझे मोबाइल में क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे तो ध्यान से देख लीजिए। एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मेघालय। मेघालय का जो राज्य पशु है वो क्या है, धूमिल तेंदुआ है। अब राज्य पशु की जब बात चल ही रही है तो हम बाकी के 3 राज्यों का भी डिस्कस कर लेते हैं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए कर्नाटक का जो, यहाँ हम कर्नाटक की बात कर लें, तो कर्नाटक का जो राज्य पशु है वो कौन सा है, भारतीय हाथी। यहाँ पर कर्नाटक का राज्य पशु है भारतीय हाथी। कर्नाटक के बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अगर राज्य पशु की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के राज्य पशु की, तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य पशु है वो क्या है, जंगली भैंसा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। और एक और जो है हमारे पास वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो पता होना चाहिए हमें, हिम तेंदुआ, ठीक है। हमने इनकी भी बात कर ली, हिम तेंदुआ, ये तीनों आपसे पता होना चाहिए, हो सकता है ज्योग्राफी में बन जाए क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में सबसे कम आयु में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव शॉ किस राज्य के हैं। देखिए अभी खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई गई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में, इसमें सबसे कम आयु, बहुत छोटी एज में कोई पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है। अभिनव शॉ, अभिनव शॉ हैं वो किस राज्य से हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो देखिए अभिनव शॉ ने, अभी नई दिल्ली में आयोजन हुआ था इस चैंपियनशिप का, यहाँ पर इन्होंने, ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, इनका जन्म जो हुआ है, ठीक है, अभिनव शॉ का जन्म जो हुआ है वो 2008 में हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ गए हैं, ये पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं और ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है, खेल याद रखना इनका शूटिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग, हमारा अगला प्रश्न है,
एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में पदक तालिका में भारत का स्थान। तो ये एशियाई चैंपियनशिप की हम जब से बात ही कर रहे थे, तो ऑप्शंस हैं इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसमें भारत का स्थान रहा है चौथा। करंट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, सर्वाधिक बार आईपीएल किस टीम ने जीता। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए, अभी तक आईपीएल के इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम बोलते हैं, इसके मैचेस होते हैं, तो सबसे अधिक बार किसने जीता है, क्वेश्चन आपसे घुमा के ही पूछे जाएंगे। आपसे 2019 में किसने जीता, 18 में किसने, डायरेक्ट पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है। ऑप्शंस क्या हैं इसके, इसके ऑप्शंस हैं मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड नन ऑफ देम। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस जो राइट आंसर है, अब हम ये देख लें कि मुंबई इंडियंस ने कब कब जीता है। देखिए, 2008 से शुरुआत हुई थी और 2015 में, 2013 में और 2017 और अभी हाल ही में 2019 में, इतनी बार जो है मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है। वहीं अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक टाई पे थे, लेकिन 2019 में मुंबई इंडियंस ने जीत के अपने नाम ये खिताब कर लिया है सर्वाधिक बार वाला। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो भी अभी तक तीन बार आईपीएल मैच जीत चुकी है। कौन कौन से ईयर्स में जीती है, 2010 में, 2011 में और 2018 में, CSK चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि तीन बार जीती तो है बट कब कब। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्नों वाली जो सीरीज है ना, ये आप ही के लिए लाइए कि एक शॉर्ट रिवीजन है हमने जो स्पोर्ट पढ़ा है उसका। ठीक है, तो ये रिवीजन हो जाएगा यहाँ से आपके, कुछ नहीं तो शायद मैं चैलेंज तो नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, लेकिन हो सकता है कि आपका जो प्रीलिमिन्स का एग्ज़ाम हो, जो मैं एक प्रश्न आपसे डिस्कस कर रही हूँ, कहीं इन्हीं में से दो या तीन प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिल जाए। तो प्लीज़ कोई प्रश्न को स्किप मत कीजिए, आप सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से उनका अध्ययन करना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो है, सुनील छेत्री जो एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कितनी बार सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर वो कितनी बार घोषित किए गए हैं। ठीक है, एंड ऑप्शंस आर 3, 4, 5, 6। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में सुनील छेत्री भारत के जो सबसे भारतीय फुटबॉलर है सर्वश्रेष्ठ, इसका अवार्ड जो इन्हें हाल ही में 2019 में मिला भी है, और ये अभी तक 6 बार, ठीक है, 6 बार इस खिताब से ये नवाजे जा चुके हैं। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है किस अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस देश ने 2019 में पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता। ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, एंड ऑप्शंस हैं ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका एंड डी वेस्ट इंडीज। तो कौन सी टीम है जिसने पहली बार अभी तक हाल ही में पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। एंड द राइट आंसर इज इंग्लैंड। न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ये क्रिकेट मैच जीता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ICC विश्व कप क्रिकेट 2019 के फाइनल मैच का निर्णय किस आधार पर हुआ। देखिए, ICC का जो वर्ल्ड कप था ना, उसके फाइनल मैच में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत इस बात पर बहुत चर्चा में भी रहा था ICC वर्ल्ड कप 2019। तो इसका जो फाइनल मैच का आधार था, ऑप्शन देखिए जरा, बनाए गए रनों के आधार पर, सुपर ओवर के आधार पर, दोनों टीमों द्वारा लिए गए क्रिकेट विकेटों के आधार पर, एंड डी इज दोनों टीमों की बाउंड्रियों की संख्या के आधार पर। एंड द राइट आंसर इज दोनों टीमों की जो बाउंड्री की संख्या थी, नंबर ऑफ बाउंड्रीज थी, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किसी एक विश्व कप में रिकॉर्ड, कितने शतक का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने 2019 में बनाया। अभी रोहित शर्मा ने हाल ही में रिकॉर्ड अपने नाम किया था सबसे ज़्यादा रन बनाने का, तो उन्होंने कितने शतक बनाए। ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 7 एंड द राइट आंसर इज 5। ओके, पांच शतक जो थे उन्होंने अपने नाम किए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया। सबसे पहला हैट्रिक किसने बनाया, सबसे ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं, पहला पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एंड ऑप्शंस हैं इसके, ए विजय शंकर, बी मिशेल स्टॉर्क,
सी मोहम्मद शमी और डी जसप्रीत बुमराह, एंड द राइट ऑप्शन इज मोहम्मद शमी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हॉल ऑफ फेम टेनिस 2019 के विजेता, याद रखना हॉल ऑफ फेम से 2019 में टेनिस से किसे नवाजा गया है? जॉन इस्नर। प्रश्न यहां से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये जो जॉन इस्नर है ये किस देश के हैं? ऑप्शंस हैं अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी इटली। और जॉन इस्नर जो हैं ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2019, अभी विनिंग टीम पूछा गया था, अब पूछ रहे हैं आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये देखिए एक ही इवेंट से बहुत सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं ना, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए ए ऑप्शन है बुडापेस्ट हंगरी, ग्वांगझू दक्षिण कोरिया, फुफुओका जापान, जकार्ता इंडोनेशिया। एंड द राइट आंसर इज ग्वांगझू, दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू जगह है एक, वहां पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट, वापस आईसीसी वर्ल्ड कप पे हम आ गए हैं, 2019 में लीग मैचों में भारत का किस देश के साथ वर्षा के कारण मैच रद्द हुआ था? याद है सभी को, बहुत अच्छे से याद होगा कि बहुत तेज बारिश हुई थी और मैच हम लोगों का कैंसिल हो गया था, है ना। ऑप्शंस है ए पाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड एंड डी इंग्लैंड। एंड द राइट आंसर इज यस एग्जैक्टली न्यूजीलैंड, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विश्व कप क्रिकेट 2019 में सुंदरम रवि थे, सुंदरम रवि क्या थे वर्ल्ड कप 2019 में? कोई खिलाड़ी है क्या है ये आपको बताना है, है ना। ऑप्शन है भारतीय टीम के फील्डिंग कोच, ऑप्शन बी भारतीय टीम के फिजियो, ऑप्शन सी मैच रेफरी, एंड ऑप्शन डी इज एम्पायर। एंड द राइट आंसर इज एम्पायर, सुंदरम जो रवि हैं वो एम्पायर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां विश्व कप 2023 वर्ल्ड कप 2023 में उसका आयोजन देश कौन सा होगा या ये कहाँ होगा? एंड द ऑप्शंस आर ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी श्रीलंका और डी न्यूजीलैंड। एंड द राइट आंसर इज भारत, वर्ल्ड कप 2023 में भारत में आयोजन होगा। अगला है ग्रीष्मकालीन यूनिवर्सिटी खेलों का आयोजन जुलाई 2019 में कहाँ होगा? शीतकालीन है, अभी ग्रीष्मकालीन की हम बात कर रहे हैं, और ग्रीष्मकालीन यूनिवर्सिटीज की बात करिए तो ये कहाँ होगा? मेस्ट, इटली, फ्रांस, जर्मनी, एंड ये होगा इटली में। ये सारे क्वेश्चन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग सेव कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में कहीं यहीं से एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 5 सितंबर 2019 को भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर कौन है? कौन है? तो ए पतंजलि, पतंजलि इज अ ब्रांड ऑफ बाबा रामदेव। ठीक है, बी ओपो, सी बायजू एंड डी कमला पसंद। एंड द राइट आंसर इज बायजू, बी वाई जे यू, बायजू जो है इसका स्पॉन्सर रहेगा। ठीक है, अगला है जुलाई 2019 में निम्न क्रिकेटर ने संन्यास लिया, संन्यास नहीं लिया। ठीक है, ऐसे कौन से क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास नहीं लिया? ए युवराज सिंह, बी अंबाती रायडू, सी लसित मलिंगा और डी दिमुथ करुणानरते। ठीक है, तो बताना है किसने नहीं लिया। तो ऊपर के तीन तो है इन्होंने लिया है, अंबाती रायडू, लसित मलिंगा, युवराज सिंह, तीनों ने लिया है। एंड द राइट आंसर इज दिमुथ करुणानरते। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ये 50 MCQs आप लगा लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो वीडियोज आप पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।